ऐसे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रिचा सिंह। ये तो सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में मजेदार बयानों की कमी नहीं होती है और समय चुनावों का हो तो फिर क्या ही बात है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पॉकेट मार कह दिया है। सोरेन साहब का कहना था कि भाजपा गरीबों के हक को मारती है, जबकि वो खुद सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ अपनी पार्टी और खुद खास लोगों की मदद करते हैं। सीधे शब्दों में हम कहें तो भाजपा अपनी जेब भरने में लगी हुई है और आम जनता को सिर्फ भ्रमित करती है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे, पूछिए इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहाँ 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहाँ 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। अब जब मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया तो भाजपा वाले भी कहां चुप रहते। उन्होंने तुरंत जवाब दिया एक्स पर पोस्ट कर। भाजपा ने लिखा कि एक तरफ वो लोग हैं जो वोट बैंक और सत्ता सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए सत्ता से बढ़कर अपना धर्म और संस्कृति है। अब फैसला आपको करना है कि आपको किसे चुनना है। साथ ही भाजपा ने एक वीडियो और भी जारी की, आप भी देखिए पहले ये वीडियो। एक तरफ वो लोग जो वोट बैंक और सत्ता सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार, और एक तरफ वो है जिनके लिए सत्ता से बढ़कर अपना धर्म और संस्कृति है। जोहार, आप सभी को राम राम। अब फैसला आपको करना है कि आपको किसे चुनना है। हेमंत सोरेन का ये बयान भाजपा के लिए खिलाफ एक तगड़ा आरोप बनकर उभरा है। होने वाले चुनाव में ये पॉकेट मार शब्द भाजपा के खिलाफ एक मस्त हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी भी इसकी काट खोजने में लगी है। अब किसका पलड़ा चुनाव में भारी पड़ता है ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।